आज मैं शेडिंग करूंगी, ये टीनेजर के लिए होती है, वहां से स्टार्ट है, आप बड़े भी कर सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं। पेंसिल शेडिंग है, सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगी, उसके बाद उसमें पेंसिल शेडिंग करूंगी। इसके लिए पेंसिल्स आती हैं 2B, 4B, 6B, जो शेडिंग पेंसिल्स होती हैं, ड्राइंग पेंसिल्स बोलते हैं इनको, वो यूज़ करनी है आपको। अब मैं इसमें शेडिंग स्टार्ट करूंगी और मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। फाइल को एकदम फ्लेक्सिबल रखना है, हैंड को भी एकदम फ्लेक्सिबल रखना है और लाइट शेड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लाइट शेड करेंगे। पेंसिल को थोड़ा ऊपर से पकड़ना है और बहुत ही आराम से करना है शेड। अब मैं इसमें डार्क टोन दूंगी, एकदम डार्क नहीं पर इससे डार्क रहेगा, ये एकदम लाइट है, लाइट शेडिंग है, अब इससे डार्क रहेगा मीडियम टोन। अब मैं इसमें वो करूंगी, एक ही तरफ स्ट्रोक्स देने हैं, अगर आप वर्टिकली दे रहे हैं तो वर्टिकली दो, हॉरिजॉन्टली दे रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली दो, मैं इसमें वर्टिकली दे रही हूँ, वैसे ही मैं दूंगी इसमें स्ट्रोक। और उसके बाद मैं सबसे डार्क टोन करूंगी।
ऐसे ही हमें अब ये भी शेड करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, इसलिए आपको बहुत ही आराम से इसको शेडिंग करनी है। फ्रेंड्स ऐसे ही हम पूरी पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। पहले सबसे लाइट टोन, फिर उससे ज़्यादा डार्क, फिर सबसे ज़्यादा डार्क, और उसके बाद स्ट्रोक्स भी दे सकते हैं। और अब ड्राइंग फाइल को फ्लेक्सिबल रखना है, अपने हैंड को फ्लेक्सिबल रखना है, और एक ही स्ट्रोक देना है जो आप दे रहे हैं, ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट, या जिस भी शेप की पिक्चर है उस शेप में भी आप शेडिंग कर सकते हैं।
फ्रेंड्स ये है पेंसिल शेडिंग, कंप्लीट हो चुकी है ये ड्राइंग। मैंने 6P पेंसिल यूज़ की है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका आर्ट वर्क अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और Facebook पे मेरे पेज को फॉलो करो।